भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनर्स ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। कहा कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का बंटवारा तो हो गया, पर पेंशनरों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनर्स पदाधिकारियों ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में अपनी बातें रखी, जिसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा अब तक नहीं किए जाने से 22 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार को अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 के प्रावधानों के हवाला देकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है। इसी कड़ी में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र नामदेव, अनिल गोहलानी, आरजी बोहरे और वी के वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदों पर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंचाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ नए बने राज्य उत्तराखंड और झारखंड में ये समस्या क्यों नहीं है, जिसका छत्तीसगढ़ सरकार के पास जवाब नहीं। बुजुर्ग पेंशनरों का महंगाई राहत रोककर उन्हें तड़पा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, जिस पर आगामी 22 जून को दुर्ग प्रवास पर पहुँच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेंशनर्स महासंघ मुलाकात कर अपनी स्थिति बताने जा रहा है। शामिल लोगों ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि धारा 49 को विलोपित करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनों को जो महंगाई राहत जो केंद्र के समान है उसकी भुगतान करे। हम केंद्र से अभी 9% पीछे चल रहे हैं और केवल 33% हमको महंगाई राहत मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि केंद्र जब 42 दे रहा है तो 42 हमको भी दो, और इसके लिए उनके पास एक बहाना है कि एक धारा 49 है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 49 में प्रावधान है कि जब तक दोनों राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी भुगतान या राशि का पेंशनों को नहीं किया सकता। इसके लिए दोनों राज्य के अपने अपने बजट से 74:26 के दर पर रकम देना होगा नहीं है, इसलिए ये गले की हड्डी बना है हम लोगों का। और ये लोग मजा कर रहे हैं, आईएएस जो है 42% ले रहा है, चाहे वो पेंशनर हो आईएएस चाहे ना हो, वो पेंशनर है उसको 42 मिल रहा है आईएएस आईपीएस को। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को चाहे वो रिटायर हो चाहे नौकरी में हो वो पूरा 42% ले रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी अधिकारी वो केवल 33% प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए नियम लागू नहीं है, हमारे लिए नियम लागू है। इस हमारी चर्चा हो चुकी, मुख्यमंत्री जी ने इस मामले पे कार्रवाई के लिए भरोसा दिया 6 महीने पहले इस बारे में बात हुई थी, मगर 6 महीने से आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। ग्रैंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।